समय से पहले है और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। और आज की ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये मैंने शाम से शुरू करी है। तो मैं किचन में आई थी मेरा शाम का जो भी काम रहता है वो अकम्प्लिश करने के लिए। और उसके बाद मैंने देखा मेरा मसाला दानी जो है थोड़ा थोड़ा खाली भी हो रहा है बट थोड़ा सा गंदा भी हो गया है। तो मेरे पास है ना दो मसाला दानी है, मतलब ये जो पाउडर मसाले रहते हैं ना, इसके लिए मैंने दो स्टील के मसाला दानी लिए हैं। एक तो ये बड़ा ही सुंदर वाला है जिसमें कॉपर फिनिश है, एक एकदम स्टेनलेस स्टील का है। तो स्टील में ना मसाले अच्छे रहते हैं। एक मेरे पास पुरानी थी, इससे पहले जो मैं इस्तेमाल करती थी प्लास्टिक की थी वो, तो उसमें मैं खड़े मसाले रख देती हूँ, बट पाउडर वाली के लिए स्टील ही बेटर है। देखने में भी अच्छी लगती है, साफ़ करना आसान है, और दो होते हैं तो एक गंदा हो जाए तो दूसरे में आप रख सकते हो मसाले। तो मैंने है ना मसालेदानी बदल दिया, इसके बाद बर्तन जो है धुलने पे लगा दिए हैं और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो चाय मैं बनाता हूँ, ऑफिस से आए थे वो थोड़ा जल्दी, सुबह में काफ़ी जल्दी वो चले गए थे, तो जो ऑफिस के जो शिफ्ट आवर्स होते हैं ना वो कंप्लीट हो गए थे। यूजुअली क्या होता है शर्मा जी, जब ऑफ़िस से निकलते हैं ना तो मुझे बता देते हैं कि मैं ऑफ़िस से निकल रहा हूँ, कुछ रास्ते से लाना है तो मुझे बता दो। तो मुझे कुछ मंगाना होता है तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे पता चल जाता है कि हाँ शर्मा जी ऑफ़िस से निकल चुके हैं। मैं पूछ लेती हूँ कहाँ तक पहुँचे, तो मुझे रास्ता तो पता ही है उनके ऑफ़िस से हमारे घर तक का, तो आइडिया लग जाता है कि कितनी देर में वो पहुँच जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं चाय नाश्ता मुझे जो भी तैयार करना होता है वो मैं शुरू कर देती हूँ। बट आज वो थोड़ा जल्दी आए थे तो काइंड ऑफ सरप्राइज़, तो उन्होंने कहा कि चलो चाय मैं बनाता हूँ, तुम चाय के साथ खाने के लिए कुछ फटाफट से जो हो सके वो कर लो। तो मैं ये है ना पापड़ है, ये राइस पापड़ है, इसको यहाँ पर खिचिया पापड़ भी कहते हैं। ये जो राइस होता है ना उसको पकाया जाता है और उसको पकाने के बाद पापड़ी नो लोट, एक बहुत ही फेमस यहाँ की गुजरात की रेसिपी है जिसे बहुत ही चाव से खाया जाता है। तो जब ये चावल पकाए जाते हैं ना तो पहले उसमें से थोड़ा पापड़ी नो लोट खाया जाता है और बाकी वाले चावल से ये जो पापड़ है ये बना लिया जाता है। तो मैं ये खरीद कर लाई थी, रेडीमेड है और ये बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। इनफैक्ट इसको मसाला पापड़ की तरह भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और मैंने ये थोड़ा पानी भी चढ़ाया था उबलने के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे है ना पास्ता बॉईल करने वाली हूँ और ये जो पास्ता मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है डुरुम वीट सीमोलिना का पास्ता और ये थोड़ा हेल्दी रहता है। ये बेसिकली अभी के लिए नहीं चाहिए मुझे, मैं सुबह में बच्चों को टिफ़िन के लिए पास्ता दूँगी तो उसकी तैयारी मैं अभी से करके रख रही हूँ। कुछ चीज़ें जो एक शाम पहले किया जा सकता है ना वो करके रख लेने से अगले दिन फिर टिफ़िन बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। ए टू जेड सारा काम सुबह करेंगे तो फिर एक घंटा भी आइटम कम पड़ता है। आप रात में ही सोच कर सोएं कि क्या बनाना है और उसमें लगने वाली चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह पे रख के सोएं और थोड़ा प्रिपरेशन जितनी कर सकते हैं ना तो फिर सुबह में बहुत ही क्विकली टिफ़िन बनाया जा सकता है। मैं जब टिफ़िन बनाती हूँ मैं आधी नींद में होती हूँ तो इसलिए मुझे पहले दिन की जो तैयारियाँ होती हैं ये बहुत काम आती हैं। और मैं यहाँ पर पास्ता जो है बॉईल हो जाने के बाद मैंने इसको छान लिया था और ड्राई हो जाने के बाद इसको मैं लेके जा रही हूँ फ्रिज में। और ये जो वर्मिसली मैं रोस्ट कर रही थी ये है बेसिकली हमारा डिनर। कुछ ज़्यादा बहुत खाने का मन था नहीं, हम लोगों ने चाय के साथ पापड़ वगैरह खा लिया था। तो उसके बाद शर्मा जी ने कहा कि कुछ कम हल्का ही बना दे, तो फिर ये जो वर्मिसली होती है ना दूध में ये बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो हर तरह से अच्छी लगती है वर्मिसली बट दूध में ना मतलब पतला पतला, गाढ़ा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा दूध हो ऐसी वर्मिसली बहुत अच्छी लगती है। रात में
आपका ज़्यादा मन नहीं हो ना खाना बनाने का, तो ये बना लीजिएगा, सबको अच्छी लगती है। तो इसको मैंने ना पहले पानी में उबाल लिया, आप सीधे दूध में भी उबाल सकते हो, बट पानी में अच्छा खासा पका लेने के बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। स्वाद के हिसाब से चीनी लास्ट में ऐड करेंगे जब वर्मिसली बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगी, क्योंकि मैंने ये पानी में उबाली थी पहले, तो दूध थोड़ा कम लगता है, उसकी वजह से मुझे इसको थोड़ा पतला पतला बनाना था, यहाँ मुझे गाढ़ी लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ा और दूध मिला दिया है। और आप चाहे तो इसे दूध में ही उबाल लीजिए, अगर आपको गाढ़ी गाढ़ी वर्मिसली खाने का मन है एज डिज़र्ट, तो डेफिनेटली आप अच्छा कड़ा हुआ दूध इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कंडेंस मिल्क मिला सकते हो, तो एज अ डिज़र्ट ये वर्मिसली खीर बहुत अच्छी लगती है। बट हम लोग तो इसे सिंपल एकदम पतला पतला डिनर में लेने वाले हैं, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा दूध कम वर्मिसली रखी है, दूध भी बहुत गाढ़ा मैं नहीं कर रही हूँ। और ये जो किचन टूल आप देख रहे हो ना, ये ख़रीदा था मैंने होली के टाइम पे, एंड आई टेल यू बहुत 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 ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ मैं इससे। इसका प्राइस और इसको देखकर मुझे लगा नहीं था ये इतना वंडरफुल चीज़ होगी, बट इसे इस्तेमाल करने के बाद है ना बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ मैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है आपकी किचन के लिए भी। ज़रूर से आप इसे खरीदना अगर अभी तक आपने नहीं ख़रीदा है। जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट नट्स चॉपर स्लाइसर इस्तेमाल किए हैं, दिस इज़ द बेस्ट। और कई सारे इसके साथ अटैचमेंट्स भी आते हैं, मैं ज़्यादातर ये जो यू नो स्लाइसर है इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो वर्मिसली पक चुकी थी, मैंने उसके ऊपर थोड़े से नट्स डाल दिए और वो हो गया हमारा डिनर। अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्टली आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मेरा थायराइड का मेडिसिन मैं पहले ले लूँगी और उसके बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में, बच्चों का टिफ़िन ही बना रही हूँ मैं बेसिकली। तो रात में मैंने पास्ता जो बॉयल कर दिया था, इतनी आसान वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप डेफिनेटली इसे बनाना चाहेंगे। आपको सिर्फ पास्ता बॉयल करके रखने की ज़रूरत है, उसके बाद अभी आप रेसिपी देखिएगा, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट इसमें चाहिए और कितनी जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। तो मैंने दो गार्लिक जो हैं वो छील लिए हैं, बड़े बड़े गार्लिक मैंने लिए हैं क्योंकि मुझे इनको इस तरह से स्लाइस करना है। स्लाइस किए हुए गार्लिक भी आप खा सकते हो। आई टेल यू, ये पास्ता मैंने बच्चों को दिया था तो खुशी के जो फ्रेंड्स हैं ना वो उनमें से कुछ है कि ये जो गार्लिक है ना वो ढूंढ ढूंढ कर खा रहे थे, उनको इतना अच्छा लग रहा था। मैंने तो इसे अरोमा के हिसाब से डाला था, बट ये अच्छी तरह से टोस्ट करने के बाद है ना बहुत टेस्टी लगता है। थोड़े से ऑयल में मैंने गार्लिक अच्छे से टोस्ट कर लिया, लाल लाल नहीं किया, आप देखें थोड़ा लाल होना शुरू हुआ था, बस इतनी देर मैंने इसे टोस्ट किया है। ऐड कर दिया है मैंने इसमें पास्ता सॉस, कोई भी मेक का आप ले सकते हो। मैंने जो पास्ता सॉस यूज़ किया है वो है डॉक्टर ओटकर्स पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ये। और थोड़ा सा सॉस पका लीजिए, थोड़ा ये गर्म हो जाएगा तो इसके बाद ऐड कर देंगे पास्ता इसके अंदर। अगर आपने अभी पास्ता उबाला है तो बस ये जो डिश है हो चुकी है तैयार, बट हमारा पास्ता ठंडा था ना तो इसे गर्म होने तक अभी थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के मैंने पास्ता को जो है पकने के लिए रख दिया है। पकने जैसा कुछ नहीं है, सॉस रेडी है, पास्ता भी रेडी है, उसको खाली हम थोड़ा गर्म कर रहे हैं। मीनवाइल बच्चों का जो टिफ़िन के बाकी कॉम्पोनेंट हैं वो तैयार कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं एक गाजर और एक खीरा तैयार कर रही हूँ फॉर देयर सैलड ब्रेक। बेसिकली सैलड और स्प्राउट ब्रेक होता है, बट स्प्राउट मैं बच्चों को देती हूँ तो वो बिल्कुल भी चाव से नहीं खाते। इनफैक्ट सैलड भी बहुत चाव से नहीं खाते हैं, बट ज़्यादा यू नो सैलड खा लेते हैं, स्प्राउट कभी कभी पूरे पूरे वापस आ जाते हैं और उसको थोड़ा सा फिर वापस एक और चीज़ कुक करनी पड़ेगी, तो मैं इसलिए खीरा गाजर ही दे देती हूँ। बच्चों को पसंद भी आता है और थोड़ा वाटर एंड रफेज का क्वान्टिटी उनकी डाइट में इंक्रीज़ हो जाता है दिस वे। तो पास्ता जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। यहाँ पर मैं उनका जो टिफ़िन है इसके अनदर कंपोनेंट के लिए मैंगोज पील एंड स्लाइस करूँगी। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, पास्ता को बहुत देर नहीं पकाना है। आपको लगे बस आपका जो पास्ता है वो अच्छा खासा गर्म हो गया है, बस पास्ता आपका रेडी हो चुका है। अगर आप घर में खा रहे हैं तो उसके ऊपर चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ डाल करके खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा गर्मा गर्म पास्ता। बट टिफ़िन के लिए आप सोच सकते हैं, टेक योर कॉन्शियस डिसीज़न कि आपको चीज़ देना है कि नहीं, क्योंकि बच्चे जब तक खाना खाते हैं वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैं चीज़ नहीं डालती हूँ उनके पास्ता में जब वो स्कूल लेकर जाते हैं। वैसे वो पास्ता में हर बार चीज़ डालकर खाते भी नहीं हैं, कभी कभी बिना चीज़ का पास्ता उन्हें पसंद आता है, कभी कभी दे मेक इट चीज़ी, बट चीज़ डालते हैं तो वो फिर गर्म भी होना चाहिए, तभी वो अच्छा भी लगता है। मैंने बच्चों का पास्ता जो है उसमें चीज़ नहीं डाला है, बट वो रेडी हो गया तो उसको ऑफ द फ्लेम रख दिया है।
और आज उनके फ्रूट बॉक्स में जा रहा है मैंगो। और आप देख रहे होंगे कि मैं हर मैंगो नहीं हर एक चीज़ में से आधा सानवी को देती हूँ, आधा खुशी को, क्योंकि एक मैंगो ज़्यादा मीठा निकले, एक कम मीठा निकले, मैं नहीं चाहती मेरा एक बच्चा थोड़ा सा कम दिल से खाए। इसलिए दो मैंगोज़ मैंने लिए, बट दोनों का आधा आधा मैंने दोनों को दिया। सिमिलरली उनके सैलेड में भी जो खीरा है, हर तरह के पीस में से मैं आधा आधा रख रही हूँ, बिल्कुल इक्वल। ये नहीं हो कि किसी को टिप वाले पीसेस मिल जाए, किसी को बॉटम वाले, बिल्कुल इक्वल। तो सारे कॉम्पोनेंट्स हो चुके हैं रेडी, अब उनकी मॉर्निंग ड्रिंक की बारी है। गर्मियाँ हैं तो कुछ ठंडा अच्छा लगता है सुबह में। ये है मेरी सर्दियों वाली स्ट्रॉबेरी जो मैंने अच्छे से मेरे फ्रीज़र में स्टोर करके रखी थी। ये थोड़ी सी मैंने साफ़ कर ली थी, इसके ऊपर से पत्ते वत्ते जो होते हैं ना वो सब हटा दिए थे, जो इसका क्राउन रहता है। एंड देन ये थॉ भी हो गई थी, थोड़ा चीनी डाल करके जो स्ट्रॉबेरी है वो मैंने ब्लेंड कर लिया, दूध मिला दिया है, तो जो स्ट्रॉबेरी मिल्क है वो भी हो गया है रेडी। पास्ता भी यहाँ पे रूम टेम्परेचर आ चुका है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि इसको टिफ़िन में पैक किया जाए। और ये पास्ता बहुत अच्छा बनता है, क्विकली कितना बनता है वो तो आपने अभी खुद ही विटनेस किया। आप डेफिनेटली इसको बच्चों को टिफ़िन में सुबह बनाकर दे सकते हो, विन विन सिचुएशन है, उनको अच्छा भी बहुत लगने वाला है और आपका किचन में बिल्कुल भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इस दिन देखें आप कितने कॉम्पोनेंट्स मैंने तैयार किए हैं, बट बाकी दिनों के मुकाबले जब मैं सब्जी पराठा बनाती हूँ ना, काफ़ी जल्दी मैं किचन से फ्री हो गई थी। तो यहाँ पर उनको फोर्क भी दे रही हूँ मैं फोल्ड करके, और सारे के सारे उनके डब्बे विद देयर मॉर्निंग ड्रिंक हो चुका है तैयार। और आज तो मैं बहुत अच्छे से तैयार हो गई हूँ सूट वूट पहन के। मन कर रहा था मेरा कि मैं सूट पहनूँ, बिकॉज़ गर्मी की वजह से मैं ज़रा कंफर्टेबल वेयर पहनना ही पसंद करती हूँ, और फिर सूट वगैरह रखे ही रह जाते हैं। तो आज मेरा दिल चाहा कि थोड़ा सूट वूट पहना जाए, बिंदी बिंदी लगाऊँ मैं। हाँ, माय हेयर नीड्स टचअप, वो मैं देख लूँगी बाद में, मैं वेट कर रही हूँ वीकेंड का, तभी कर लेंगे। तो मैं है ना अभी थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ रही थी, ऑनलाइन पढ़ रही थी, और एकदम से कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, एकदम से ऐसे क्लिक करती है आपको एंड आप थॉट प्रोसेस में चले जाते हो। तो वैसा ही कुछ ये था, मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, डू यू बिलीव इन किस्मत एंड टाइमिंग? एज एन बोलते हैं ना, बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि वक्त आने पे ही होगा ये, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं। डू यू बिलीव इन दैट? हैव यू एवर एक्सपीरियंस एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स? मेरी पूछें तो जब मैं बड़ी हो रही थी, तो अर्ली 20s एंड ऑल, उस वक्त इस तरह की किसी भी चीज़ पे बिलीव करने का मन नहीं करता है। मन यही बोलता है कि अरे हम अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं, हम जैसा काम करेंगे वैसी किस्मत होगी, हार्ड वर्क, परसीवरेंस, परसिस्टेंस, ये सब चीज़ें आपको इवेंचुअली सक्सेस दे ही देती हैं। लेकिन अभी इतना टाइम जीने के बाद, लाइक हाउ आई लुक एट All these things, मुझे अब eventually इन सभी बातों में trust होने लगा है कि सच में किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। वक्त होता है, उस वक्त अगर आपका टाइम सही है ना, तो उस वक्त चाहे आप उतनी मेहनत करें भी नहीं, चाहे आपने सोचा भी नहीं हो कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, बट इफ़ इट इज़ डेस्टाइंड, आपका टाइम आ गया है, तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। बहुत लोग उतनी भी मेहनत नहीं करते जितनी उनको ज़िंदगी में तरक्की मिलती है, और बहुत लोग इतनी मेहनत करते हैं बट उनको उतना कभी रिटर्न्स फल नहीं मिलता। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? ये मैंने कई बार लाइफ में, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे साथ ही हुआ है, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है। बहुत लोग उतने भी कुछ एफर्ट्स नहीं डालते, और दिखता है, कोई भी देखकर बता सकता है कि कितनी मेहनत की जा रही है, बट उनकी सक्सेस अलग ही लेवल की होती है। और बहुत लोग कितनी मेहनत करते हैं, हर फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के बंदे के साथ हो सकता है, बट होता है, समय, किस्मत, मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे मेरे हस्बैंड 14 साल से वो यहाँ वडोदरा में सेम कंपनी में काम कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन रातों रात ऐसा हुआ कि उनको जॉब छोड़नी पड़ी। साल भर से ज़्यादा वो बिना जॉब के थे, और फिर वन फाइन डे उनको अचानक से ऐसा ऑफ़र आ गया। एक दिन उन्होंने बैठ कर इंटरव्यू दिए, सभी राउंड्स हुए, और वो जॉब उनकी झोली में आ गिरी, जबकि वो पिछले इतने सालों से जॉब ढूंढ रहे थे। तो मुझे लगता है वक्त, किस्मत बहुत बड़ा रोल
रोल प्ले करते हैं। आपके क्या थॉट हैं इस पर मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जब हम कमेंट बॉक्स की बात कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो यार, वीडियो पे इतने सारे लाइक्स होते हैं और उस लाइक के कंपैरिजन में कितने कम कमेंट होते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ड्रॉप अ हाय फॉर मी। मुझे आपसे कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगेगा, आप लोग की राय जानकर, आप लोग क्या सोचते हैं वो सब पढ़कर अच्छा लगेगा। और हाँ, यहाँ पर मुझे एक बात और याद आ रही है, फिर बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आप तो जवाब नहीं देती हो। एक्चुअली द थिंग इज़, मैं जवाब तो देती हूँ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, हार्ट एंड लाइक भी करती हूँ, बट ये हो सकता है कि आज की वीडियो पे शायद आपको कल या परसों हार्ट एंड लाइक मिले, क्योंकि एकदम से ही टाइम मिल जाए ऐसा नहीं होता है। आप मेरा स्केड्यूल जानते हो, थोड़ा सा बिजी रहता है मेरा दिन। और हाँ, मुझे याद आ रहा है मैंने आपसे एक Q&A करूँगी ऐसा भी बोला था, तो आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि 20-25-30 क्वेश्चंस होंगे और मैं वो कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा करके रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। बट उस पोस्ट पे मोर देन 180 क्वेश्चंस हैं, 180 क्वेश्चंस मतलब इससे ज़्यादा हैं, बट मैं इसको अगर नैरो डाउन भी करूँ कि चलो बहुत लोग के शायद सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, तो 120 क्वेश्चन तो कंसीडर करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन को एक मिनट देंगे तो इट विल बी 120 मिनट्स, दैट विल बी लाइक 2 आवर्स। तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ कि उस वीडियो को कैसे फ्रेम किया जाए, कैसे प्लान करूँ मैं, हाउ टू चार्ट आउट 120 क्वेश्चंस किस तरह से किए जा सकते हैं। शायद मैं उसके Part 1, Part 2 इस तरह से करूं, क्या आपके लिए ये वर्क करेगा अगर मैं उसका Part 1, Part 2 करती हूं तो। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।